आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद एग्जामिनेशन हॉल में बैठा। पास है तू भी पास है। भाई मैं पास नहीं हूँ, लेकिन अगर हो गया तो अगले उतरी पड़ी है, पता नहीं पास होंगे या नहीं। So hey guys, what is up? Welcome back to another day, another vlog. यार क्या हाल चाल है, hope you all are good. तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ कॉलेज के लिए, यहाँ से रिक्शा पकड़नी है और ऑलमोस्ट 2 साल के बाद पेपरों में बैठना एग्जामिनेशन हॉल में। और इतनी बुरी फटी हुई है ना, क्या बताऊँ, अभी जाके दिखाता हूँ। तो भाई अच्छी बात है, ई रिक्शा भी फटाफट मिल गया आज, और अभी फटाफट कॉलेज पहुँचते हैं, 10:30 पेपर शुरू होना, और जाके हम हालत दिखाता हूँ भाई। अभी तो मेट्रो में ही पढ़ते जाता हूँ, सीधा कॉलेज जाके भाई। कॉलेज तो पहुँच गया बट थोड़ी से फट रही है, 10:30 बजे स्टार्ट हो गया जा रहे। विराज वो आ रहा, आ जा जल्दी, हमारे साथ ही है, चल एज डेट है ना उसका। और भाई क्लास नहीं ली तुमने, अभी हमने क्लास भी ढूंढनी है, मैं क्लास भी नहीं पता कौन सी है। भाई अभी एग्जाम खत्म हुआ है, वो वैसे बेंच दादे बता दे भाई, आज तो फेल हो गए भाई, आज ही तुम्हें याद करने के बाद जाओ बेटा। कैसा हुआ, लग गई हो जाएंगे नहीं आ रहा तेरे में, किसमें कितने आएंगे, 10 से ऊपर नहीं आएंगे, ब्लॉग है ना, ब्लॉग में लिख ले, मतलब लिख के ले ले, 10 से ऊपर नहीं आएंगे तेरे पास। और तू और तेरे भाई, तेरे विराज हो जाएगा पास, ये तो बस आज गया मैं पास। वो देखो वैभव लगा पड़ा है भाई, वैभव को देख लगा पड़ा है भाई, देख लगा पड़ा है। मैंने कही भाई ये वाला तन में को, मैंने कही ये वाला बता दे अभी, ये बताओ भाई, अबे ये बता ये कैसे भाई। अरे भाई नहीं नहीं भाई, ये हां क्या हुआ, मैंने 10-10 मिनट के लिए बाहर जाके आ रहे हैं टॉयलेट करके, फिर भी कुल मिला के बात ऐसी है सबके लग चुके हैं। तो भाई अगर 10 मिनट के लिए मैं बाहर जाता ना भाई, तो मैं रजिस्टर में से पूरा छाप देता वो क्वेश्चन। मैं तो गया ही नहीं, मैं कल लिख ले भाई, जितना आता लिख दिया मैंने भाई, मैंने पन्ने भरे कार्ड के, मैंने खुद मैंने पन्ने भरे, मैंने भी कार्ड के भी भरी गई सीट यार। वो देख आ गया, आ गया वैभव, आंखें देख भाई, सोया नहीं होगा 4 दिन से, 4 दिन से फोन पे मेरे को बोल रहा है साला, खुद तो तड़प रहा है, दूसरों को भी तड़पा रहा है। पास तो सारी है, तू बता विराज, विराज पास है ना, ओए क्या हुआ, क्या बना, सर टोटल कर रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ। मैं बता, अब तू बता, तू बता भाई, तेरा ही सुनना रह गया था जिंदगी। पूरा ठीक है, ये पूरा ठीक है, ये पूरा 10 नंबर हो गए यहाँ पे, मैं रुक जा, ये 10 नंबर हो गए इसमें, ये 2 करे थे इसमें, 5 नंबर, तो मतलब 15 मान के चल, तो 12:30 तक आ जाएंगे। और एक ये है तो, और इसमें मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा था, तो इसमें पास हो जाऊंगा करो। हाँ तू बता कौन कौन से करके है, एक 2 राउंड वाले हैं ना, सारे प्रोबेबिलिटी के हैं, प्रोबेबिलिटी में दिक्कत थी, बाकी मैं करके आऊँ, पास तो मैं हुई, प्रोबेबिलिटी मैंने पूरा नहीं हो पाया यार, समझ मेरे को समझ नहीं आई भाई। सबने पेपर दिया, पेपर देने के बाद सबकी शक्लें उतरी पड़ी है, पता नहीं पास होंगे या नहीं। अब बोल पास है, पास
पास है, तू भी पास है। भाई मैं पास नहीं हूँ, लेकिन अगर हो गया तो किस्मत। मैं पक्का कुछ नहीं कह रहा सर, सर को रिक्वेस्ट कर दे सर, देखते होंगे तो सर। यश को पकड़ो, बोला नहीं था गलत है, भाई सबसे ज्यादा इसकी शक्ल उतरी है, सबसे ज्यादा मेहनत इसने करी है। भाई ने मेरे को कल रात को फोन किया, भाई मैं ना ये सारा डिवाइस कर चुका, तू क्या कर रहे? मैं कहा सुन, मैं अभी देख रहा हूँ अमेजोन पे मूवी, उससे पहले एक और मूवी खत्म कर चुका, उसके बाद मैं इंडियन आइडल भी देख चुका हूँ, अब मैं जोड़ी टीवी देख रहा हूँ, स्मार्ट जोड़ी देख रहा हूँ टीवी पे। अब तू सुन मेरी बात, आज मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, जो होगी अब देख ही देख आ गया। भाई दो हफ्ते की मेहनत, काम तो आई है तो है, पर प्रैक्टिस नहीं थी अच्छे से, टॉपिक क्लियर थे, ये था कि हाँ मैं देखा हुआ है क्वेश्चन, हर टॉपिक क्लियर थे सारे, सारे प्रैक्टिस, इतनी सारे क्वेश्चन देखे हुए थे, प्रैक्टिस नहीं। चलो चलो चलो, नासा वालों का पेपर कैसा हुआ सर? नासा वालों का, नासा वाले फेल हो गए। हाँ भाई, दो सीट ली है, तू तो टॉप मारेगा, टॉप है ना, तू तो टॉप मार रहा है। ओहो, क्या हाल चाल? मैं बढ़िया। मास्क उतार ना, फिर कहेगा अच्छे से नहीं आई, 10 नंबर आ जाएंगे। बढ़िया भाई, और भाई और पेपर कैसा हुआ? लग गई सबकी है भाई, पेपर डिस्कस हो रहा है, कहाँ गया? हाँ साथ में चलेंगे हम दोनों भाई। भाई भाई पहले क्वेश्चन के 3 कर रहे थे, हम 4 कर रहे हैं, इतने होशियार हैं हम, हमसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है। टाइम कैसे मिला तुझे? टाइम मैं बताता हूँ, पहले के आते नहीं थे, समझ नहीं आ रहा था कौन सा करना, सारी कर लो। हाँ भाई पेपर कैसा हुआ? लग गई तेरे, बहुत ज्यादा चला जा, कंटेंट नहीं मिलेगा। चार भाई यहाँ तो पास तो हो गए, प्रोबेबिलिटी आ रही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने आ रही। सच सच बता, ये ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये तो इवेंट मैनेज कर रहा था, फॉर्मूले लिख के आया हूं, उसमें वैल्यूज पुट करके आया हूं, जैसे मेरे को समझ में आ रही थी, प्रोबेबिलिटी वीआईपी था ये तो उस दिन भाई, प्रोबेबिलिटी बिना बिना ऐसे के प्रोबेबिलिटी में भाई वैल्यू पुट करके आया बच्चे थे, कौन सा बहुत ज्यादा बचा, बच्चे थे ना, 10 बच्चे थे, बच्चे थे ना। त्रिपाठी जी और बताइए, त्रिपाठी जी कैसा हुआ? और भाई और तू बता, पेपर जाने के बाद इसे पुनः कहता है, अगर कोई पूछ ले कैसा गया तो संभल के रहा है, मत पूछ किसी से पेपर कैसा हो गया, पास है? फेल हो भाई, बहुत बहुत बुरी तरह फेल हो भाई, सबके लगे पड़े हैं, सबके चले गैंग, चले गैंग, पेपर हो गया हमारा बढ़िया, मेहनत मेहनत काम आ गई, बात सीधी सी इतनी है। मैं क्या भाई देख रहे हैं, अनसब्सक्राइब मारो साले, तेरे तो भाई गए सब्सक्राइब, ऐसे देख रहे हैं ऐसे बोलते, 3 घंटे हो गए पड़े हुए, रेस्ट कर रहा हूँ, रेस्ट करते हुए फिर पढ़ने लग गया। 9 बजे, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 1 बजे सो रहा था, आया था वो भाई। टॉप अगर नहीं मारा ना तू, अगर नहीं मारा ना टॉप, भाई तेरे ब्लॉग को अनसब्सक्राइब करवा देना। सब्सक्राइब तो करा नहीं रहा, गलत ही बोल। ये एंगल ठीक है, ये कौन सा एंगल है? सुन तो, कौन सा? पुनीत का फेस्टिवल ब्लॉग देखा था मैंने, 14 मिनट 10 सेकंड पे जाइए ऐसे। हाँ, ये कौन सा एंगल है? अरे नहीं नहीं नहीं, पता क्या हुआ, ये बात कर रहे थे कुछ डायरेक्टरों के रहने की, बोलते नहीं कैमरे पे, मैंने कैमरा ऐसे नीचे रख दिया था ऑन करके, बोल तू वहाँ से पहचानना है, पहचान लेता पूरा तो तूने डाला भी नहीं, नाश नाश कर देंगे पेपर का, नाश ही करना है। एमएफटी भी करा हुआ होगा भाई, मुझे इसका पता है, सुबह 9 बजे उठ के पढ़ रहा है ना, इधर 12 बजे नहीं नहीं भाई, सुबह 8 बजे मैं भी उठ जाता हूँ, मेरी स्नैप नहीं आती 8 बजे, ये तो बंदा ही खराब है, कौन मैं? हाँ। पता है भाई, मुझे भी पता है, पढ़ता ही नहीं, क्या करे, बेस्ट दिल्ली का है ना सर, तू पीतमपुरा भी ज्यादा दूर नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आगे मारेगा
लगता है इसके ब्लॉग का कंटेंट आ जाता है। कहाँ? बच्चा मैडम पे क्या? ये डीएसओडी पे गिर रहा है। बच्चा मैडम पे गिरा। वैभव रुक जो यार, काम आगे जा रहा है। टॉप है ना? हाँ। वैभव जादू टॉप है। अपने सारे ग्रुप में से भाई तेरे सामने बोल रहा हूँ, अपने सारे ग्रुप में से वैभव जाके मेरे को कुछ नहीं भरोसा। अबे झूठ है भाई, सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो कह रहे इतनी देर में से व्लॉग एडिट भी करने पड़ा है, ये बचा क्या है? नंबर दिया है ना, मैं कह रहा हूँ यूट्यूब से बैन करवाने। देख सब्सक्राइबर तू बढ़वा नहीं रहा। मैं नहीं बढ़वा रहा सब्सक्राइबर भाई, जान लगा दी भाई सब्सक्राइबर। ऐसे रोक रोक के बोलेंगे भाई, सबको पकड़ना है, सबको पकड़ना है। कॉलेज में से 300 लोगों ने देखा मेरा व्लॉग फेस्ट वाला, साला सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया। हजार तो चली जाएंगे, 500 तो चले ही जाएंगे, अभी भी लग तो रहा है, अभी भी देखना है भाई। सर एक गाना, सर सर बिग फैन, ऑलमोस्ट पास सर, शायद पास सेम सर। सर एक गाना, सर सर एक गाना, एक गाना, एक गाना बंदे इकट्ठे करो, घर गाओ ना सर अभी। बंदे इकट्ठे करो, मैं ऐसे गा दूं भाई, कोई कोई पैसे रख के चला गया तो चलो। ओके भाई, आधा घंटा हो गया वेट करते, मैं ऑटो नहीं रुक रही। अबे शैडो में आ जा यार, धूप लग रही है बहुत ज्यादा। चलो सर, कोई ऑटो, एक ऑटो रुकने को राजी नहीं है, सिंगल। क्या सोचता है क्या बनेगा? हमने वैभव को भेजा लाने के लिए नींबू पानी, ले आए बस भाई गर्मी में नींबू पानी, बस मैं ही पी रहा हूँ। ये दोनों तो पी नहीं रहे, दोनों को पचता नहीं नींबू पानी यार। फिर एग्जाम्स का टाइम में सोर थ्रोट हो गया ना, तो फिर फीवर हो जाता है और फिर दिक्कत हो जाएगी। हम सह लेंगे, मैं वही कह रहा हूँ, हम सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पीते हैं, चलते हैं, ऑटो नहीं मिल रही, वहाँ आगे तक भाग के जाना पड़ रहा है, लगे हुए ना। तो मेरे को अभी पता लगा ये एलिवेटर में एक्सेलरेटर होता है, क्या कहते हैं? एस्केलेटर। एस्केलेटर, मेरी थोड़ी इंग्लिश बीच में हट रही है, इसकी सही आ रही है, एस्केलेटर। धन्यवाद बताने के लिए, प्लेजर इज ऑल माइन है। एलिवेटर बना के हम ऐसे ही तरक्की करेंगे। एस्केलेटर, एस्केलेटर सीख जाएंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे सीखता है हर एक इंसान, वन स्टेप एट अ टाइम। बाकी तुम जैसा मर्जी समझो। फाइनली वी आर बैक होम आफ्टर गिविंग आवर फर्स्ट पेपर गाइस, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद एग्जामिनेशन हॉल में बैठा भाई। पुराने टाइम याद आ गए, जैसे चीटिंग करते थे लॉकडाउन के बाद। तो भाई 2 साल कहीं नहीं, कोई एग्जाम नहीं दिया बिल्कुल भी भाई। हम घर पहुँचे हैं, ऊपर चलते हैं यार, भूख लगी है, कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके वापसी पढ़ेंगे। कल फिर से पेपर है गाइस, एग्जामिनेशन ब्लॉग जाएंगे अब लगातार, तो देख लेना बढ़िया आएंगे। मैं आया और रुचि को देखो, बस हाँ, ठीक है ठीक है, ओके। सो वी आर बैक होम, हाय बहुत थक गए,
फिलहाल कुछ खाना खुना खाते हैं और चेंज करते हैं यार, ठीक है ना। सो भाई एग्जामिनेशन दे आए हैं, एग्ज़ाम दे के भाई अभी बाहर निकला हूँ, एग्ज़ाम दे के आया घर पहुँचा और जो मैं सोया हूँ मज़ेदार सुकून वाली नींद थी आज तो। एंड राइट नाउ हम घुमाने आए हैं इन महाशय को, रिचि जी को, इन्हें घुमाते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं ऊपर चलेंगे, नैस की तैयारी करेंगे। और भाई एग्ज़ाम अच्छा तो चला गया पर अभी भी डर लग रहा है कि गड़बड़ ना हो, है ना, क्योंकि इधर उधर से मेरे मार्क्स कटेंगे मेरे को पता है, पर लाजा ना कटें, सही सही मार्क्स आ जाए, एक्सपेक्टेड तो है, कुछ कहने कहेंगे नहीं, ये काट दूंगा मैं, तो देखते हैं जैसा भी होगा मज़ा आएगा। पेपर अभी दूसरे के एग्ज़ाम की तैयारी करने तो वो करेंगे अभी ऊपर जाके, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो यार आई होप तुम्हें ये व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और व्लॉग में भाई सबकी शक्लें देख के समझ आ गया होगा, सबकी उतरी हुई थी, सबके लग चुके थे, कहीं होंगे तो बहुत बुरी तरह, कोई बात नहीं हो जाओगे भाई तुम भी रीअपीयर में क्लियर, मतलब होप फॉर गुड गाइस। तो बस ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल सेम ऐसी किसी व्लॉग में, कल भी भाई एग्ज़ाम है उसकी तैयारी चल रही है फिलहाल, तो बीच में एडिट करने का टाइम निकाल के मैंने एडिट कर दिया, लाइक कर दो इसी बात पे, मिलते हैं किसी ब्लॉग में, टिल देन साइनिंग ऑफ, पीस।